तो युवा दिवस के मौके पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर का घेराव किया। अनूठे तरीके से उग्र प्रदर्शन कर मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी तरुण कालरा। रिपोर्टर्स की आप तस्वीरें देख रहे हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर इकट्ठा हुए थे और युवा दिवस के मौके पर थाली पीटते हुए मोदी सरकार को यहां पर जगाने की कोशिश कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और IYC के अध्यक्ष BV श्रीनिवास की अध्यक्षता के अंदर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्यों ये थाली पीटी जा रही है? देखिए, लगातार आप जानते हैं कि लगातार कृषि कानूनों के विरोध में जिस तरह से काले कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है, लगातार उसके बाद से देश का किसान आंदोलनरत है और लगातार इन कृषि किलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही पूर्ण सरकार लगातार किसानों के साथ तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। 60 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं। हम लगातार इनको जगाने का काम कर रहे हैं। आज युवा दिवस है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास जी के नेतृत्व में किसानों को जगाने के लिए आए हैं और किसानों के समर्थन में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धारा 144 पुलिस की तरफ से लागू की गई थी। कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर बार बार हवाला दिया जा रहा था कि जो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है वो गैर कानूनी है और यहाँ पर हल्की झड़प होती हुई दिखाई दे रही है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में। अध्यक्ष BV श्रीनिवास को भी यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। भीड़ ज़्यादा उग्र ना हो इसलिए यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी लगाया गया था और यहाँ पर डिटेंशन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की होती हुई दिखाई दे रही है। और चूंकि ये लुटियन जोन का इलाका है, हाईली सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत सेंसिटिव इलाका है, लिहाजा प्रदर्शन की यहाँ पर मंजूरी पुलिस ने नहीं दी थी। आप BV श्रीनिवास को देख सकते हैं, इनको जिप्सी में ले जाकर पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है ताकि इनकी अगुवाई के अंदर जो कार्यकर्ता थोड़ा उग्र हो रहे थे उनको शांत किया जा सके। युवा दिवस के मौके पर इस तरह की झड़प की तस्वीरें कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी को संजीवनी बूटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका कितना राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी को होगा ये तो चुनावों के वक्त ही पता लगेगा, लेकिन मुद्दे को गरमाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो सड़कों पर उतरी है ये पहली बार है जब कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ उतरे हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।